तो हम एम्स्टर्डम आए हैं बिकॉज फरहान अख्तर का यहाँ पर कॉन्सर्ट होने वाला है। सो गाइज आज है नेक्स्ट डे एंड कल रात को तो भाई बैंड बज गई थी हम लोगों की। सो यार प्लान तो फुल ऑन ये था कि हम लोग ना सुबह लेट आराम से उठेंगे, बट हम उठ गए हैं जल्दी। हाँ जी बॉस, तो आते हैं अब आज के प्लान पे। तो यार हम लोगों का प्राइमरी रीजन तो फरहान अख्तर साहब को देखना था, वो हमने कल देख लिया। अब हमारे पास आज का पूरा दिन बचा हुआ है, हमारी शाम की ट्रेन है, तो हमने सोचा यार इस टाइम को यूटिलाइज किया जाए, चलते हैं एक बहुत सुंदर जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। तो गाइस जैसे हमने आपको बोला था कि हम लोग एम्स्टर्डम के आउटस्कर्ट्स में रह रहे थे, तो हम वहां से निकल के एक दूसरी सिटी आ गए हैं। दिस सिटी इज कॉल्ड ज़ांजेशान एंड यहाँ पे ना बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें दिखाने के लिए, चलो अब आपको उनका एक्सपीरियंस करवाते हैं। लेट मी टेल यू समथिंग ना इंटरेस्टिंग अबाउट ज़ांजेशान, जो मैंने भी यहाँ पे आके ही डिस्कवर की है। यहाँ पे ना ओल्ड नेदरलैंड के जितने भी पुराने विंडमिल्स हैं ना, उन सबको लाके इंस्टॉल किया गया है, जस्ट टू गिव इट लाइक वो 18th सेंचुरी टाउन वाली वाइब। हाउ कूल इज दैट। भाई एक चीज है, यहाँ पे ना चलना वलना बहुत पड़ता है, प्रॉब्लम नहीं है कोई, इतना सुंदर है, सब तरफ ग्रीनरी है, सब तरफ सुंदर सुंदर चीजें हैं, मजा बहुत आ रहा है। एंड सुनो, यहाँ पर पहुंचे हो ना वीडियो देख देख के, तो जाने से पहले लाइक जरूर करके जाना एंड जस्ट एन FYI सब्सक्राइब करना भी फ्री है, तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर नहीं किया है तो। गाइस ज़ांजेशान में ना विंडमिल्स के अलावा एक और चीज बहुत फेमस है, वो है यहाँ के ये छोटे छोटे घर और ये इतना सुंदर पैसेज जो बना हुआ है। एंड इसके ना अलग से वॉकिंग टूर्स भी होते हैं, हमारे होटल में भी उन लोगों के 20 यूरो से लेके 100 यूरो तक के वॉकिंग टूर्स के पैकेजेस थे। एंड मैं और शिवानी ये बात कर रहे थे कि भाई वॉकिंग टूर के लिए किस चीज का पैकेज चाहिए आपको, ये पूरा खुला एरिया, जहां भी जाना है जाओ। यार यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे घर देखे ना, लिटरली ऐसा लग रहा है कि यहीं पे प्रॉपर्टी खरीदो और अच्छे से लाइफ स्पेंड करो। बताओ भाई घूमने के लिए आए हम लोग, मैडम को प्रॉपर्टी लेने का दिमाग आ रहा है, यहाँ पे हद हो गई है भाई। अब मैडम ने घर लेने के लिए बोल दिया है, तो मुझे लग रहा है पैसा कमाने के लिए ना हमें खेती बाड़ी करनी पड़ेगी यहाँ पर। गाइस ज़ांजेशान आने के लिए ना एक ब्रिज है, उसके ऊपर से क्रॉस करना होता है, और वो देखो उन्होंने ब्रिज को ऊपर उठाया हुआ था क्योंकि यहाँ से बोट को निकल के जाना था, तो सारा ट्रैफिक जितने भी लोग हैं हम सब रुके हुए थे, और फाइनली बोट निकल गई तो वो ब्रिज को नीचे कर रहे हैं। सो गाइज ये जो बड़े से शूज आप देख रहे हो ना, दीज आर कॉल्ड टिपिकल हॉलैंड फार्मर शूज। ये जो पूरा एरिया है ना, अभी हम लोग इस शॉप में थे, हम लोग अपनी फ्रिज मैग्नेट ले रहे थे, तो शॉपकीपर ने हमें बताया 400 इयर्स पहले जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे लोग आए थे, तो ये पूरा नदी पूरा ऐसे स्वॉम्प भरा हुआ एरिया था, तो उनको चलने में और डिफिकल्टी होती थी, तो उन्होंने ऐसे वुडन शूज बनाए, ऑब्वियसली इस साइज के नहीं बनाए, बट ये पूरे वुड का शू है एंड वो वुडन शूज पहन के इस एरिया में वॉक करते थे। एंड तब से ये कल्चरल थिंग बन गया कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो फार्मर्स हैं, वो ऐसे वुडन शूज पहन के पूरे सिटी में एक्सप्लोर करते हैं। गाइस ज़ांजेशान से तो हमारी सवारी निकल चुकी है, हम लोग एम्स्टर्डम पहुंच गए और अब हम जा रहे हैं खाने के लिए क्योंकि बहुत जोरों से भूख लग रही है। यहाँ पे ना अचानक से बारिश शुरू हो गई है, एकदम टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, मेरी जैकेट भी निकल चुकी है। गाइज हम लोग रेस्टोरेंट आ गए हैं, इट्स साउथ इंडियन रेस्टोरेंट कॉल्ड दी मद्रास डायरीज एंड एम्बियंस साउंड गाने मेन्यू 515 है, बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक रेस्टोरेंट लग रहा है ये, आई होप खाना भी अच्छा हो। दूसरी चीज़, हम लोगों की जो ट्रेन है ना वो एक घंटे में है यहाँ से, और हम लोग सेंट्रल स्टेशन से थोड़ा दूर पे हैं, तो मोस्टली हमें लग रहा है हमारी ट्रेन ना मिस होने वाली है। लकीली हमारी जो टिकट है वो पूरे दिन के लिए वैलिड है, सो वी कैन टेक एनी ट्रेन, नेक्स्ट ट्रेन भी है एक घंटे बाद, वो कैच करने वाले हैं हम लोग। नाउ दैट वी आर एक्चुअली मिसिंग आवर ट्रेन, तो हमने सोचा क्यों यहाँ पे खाना अच्छे से इन्जॉय ना किया जाए। मैंने मंगाई है अपनी वर्जिन मैंगो मोहितो, ये इनका कुछ आई थिंक स्पेशलिटी है आज के लिए। लेट्स टेस्ट एंड सी। सारी थकान हट चुकी है मेरी, अमेजिंग। तो गाइज हमने चार चीजें ऑर्डर करी थी, मेरी दोनों चीजें तो आ गई है, मैसूर मसाला डोसा
एंड दिस लुक्स डिलिशियस एंड दूसरा दिस इज कॉल्ड परपोड़ा, ये एक मेदू वड़ा टाइप होता है बट ये स्पिनच से बनता है। शिवानी का भी आ गया, टेडली टेस्टिंग करी जाए कैसा है। स्पिनच का बहुत लाइट टेस्ट है, बहुत अच्छा दाल वाल से बना हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस सिर्फ 5 मिनट में हमने अर्चित का डोसा और वड़ा पूरा निपटा दिया। पीठ देख रहे हो हमारी, मेरा भी खाना आ गया। मैंने ऑर्डर किया था थट्टू इडली एंड एग रोस्ट विद मलाबार परोठा। आई जस्ट कैन नॉट वेट। हाय घी। सो गाइस खाना पीना खा के हम एक्चुअली उसी जगह पे बैठे हैं जहाँ से हमने ये जर्नी एम्स्टरडैम की शुरू की थी। पता ही नहीं चला यार कैसे 24 आवर्स खत्म भी हो गए एंड नाउ आवर ट्रेन इज इन लाइक 10-15 मिनट्स। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ना तो आई एम सर्टन आपको हमारी स्विट्जरलैंड ट्रैवल सीरीज तो फाड़ू लगने वाली है। तो जाओ इसके बाद वो सीरीज को अच्छे से एंजॉय करो। जाने से पहले बस इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मेरे साथ डिस्कशन में बैठे हैं मिस्टर व्हाइट, बहुत ही चिंतित हैं। इनको कुछ भी खाना नहीं मिल रहा है, लोगों के खाने में मुंह मार रहे हैं बट बेचारे चिंतित हो।